Why don't you celebrate his birthday? हाँ, उसका birthday celebrate करते हैं। क्या ख्याल है? ये surprise मैंने मुझे दिया है ये। बचपन की वो खुशियाँ तो नहीं लौटा सकता जो मुझसे छिन गई थी। सही कह रहा हूँ ना? आसित कहाँ है? वो अभी यहीं थे, बहुत परेशान थे आपके लिए। फिर उनको ऑफिस से बार बार कॉल्स आ रही थी तो उनको जाना पड़ा। आ जाएंगे। फोन बोल। बासित कहाँ है तू? भंटी हॉस्पिटल में ब्रेन हैमरेज होते होते बचा है उन्हें। बीपी शूट कर गया था उनका। क्या? अब कैसे हो? माँ है तुम्हारी, खुदा के देख लो। पता नहीं कब से पूछ रही है तुम्हारा। बात लिसन, किसी चीज की जरूरत हो तो काशिफ को फोन कर लेना, वो सारे ड्यूज क्लियर कर देगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर बासित। तुम्हें क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल के बिल वगैरह अदा करके तुम्हारा फर्ज पूरा हो जाएगा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी जोया के लिए इतने अमीर कबीर और आला खानदान का रिश्ता आया। समीना बता रही थी कि यावर का कारोबार तो पता नहीं कितने मुल्कों में फैला हुआ है। पूरी दुनिया घूमेगी जोया, ऐश करेगी सारी जिंदगी, और खानदान वालों को जब पता चलेगा ना तो वो भी अश अश कर उठेंगे। ये सब तो आपको पता है। ये पता है कि यावर पहले से शादीशुदा है? उसकी बीवी को गुजरे एक साल हो चुका है, सिर्फ एक बेटा और करोड़ों की जायदाद। इस शादी से अच्छा आप मेरा गला दबाकर मार डालें मुझे। यही तो कर नहीं सकती, इसलिए इज्जत से रुखसत करना चाहती हूँ तुम्हें। उसको देखा था, ऐसा लग रहा था बॉबी फूफा के लिए रिश्ता आया है। मैं ये शादी नहीं करूंगी, अपनी जान ले लूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करती हो तुम शादी। कुत्सिया भाभी, तुमने सिवाय धन दौलत के और कुछ नहीं देखा ना? कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लेती कि यावर जोया के बाप की उम्र का है। मर्द की उम्र नहीं, कमाई देखी जाती है, कमाई। मुझे समझ नहीं आता आपको क्या कहूँ, बेहिस कहूँ, खुदगर्ज कहूँ या क्या लालची कहूँ? क्या फायदा होगा आपको ये सब करके? तो मुझे माँ तो समझती नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा जो मर्जी आए ना तुम कहो। अरे कहाँ वो लालची और कहाँ ये खानदानी शख्स, समझाओ इस लड़की को जाकर। मैं उसे कुछ भी नहीं समझाऊंगी और ना इंसाफी ये वाली उसके साथ होने में नहीं दूंगी मैं। अजीब, अच्छा खानदान पैसे। इस लड़की से बात करनी तो सर फोड़ने के बराबर है दीवार से। वैसे फोन नहीं उठा रहे, आई नहीं अभी तक। वो नहीं आएगा क्योंकि मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसने कहा है मांटी को घर लेके जा सकते। Thank you.
जब से हॉस्पिटल से आई है यहीं बैठी हैं। चलें ना आपके कमरे में चलते हैं। मैं ठीक हूँ यहाँ पर, चलते हैं ना बेट, बैठो। बासित आया? आ जाएंगे। बस वो आ जाए तो फिर चलते हैं ऊपर। पता नहीं आज दिल कुछ बोझल सा है मेरा। आपको डॉक्टर ने मना किया स्ट्रेस लेने से, आप आराम करें ना, चलें ऊपर। मैंने जाने का फैसला किया है, वहां पर रेस्ट ही करना है। आप हमें छोड़ के चली जाएंगी? वहां से दे ही चाहता, ख्याल रखना। उसके अंदर ये जितना भी गुस्सा, जिद और नफरत है मेरी वजह से। फिलहाल तो आप चले ना, रेस्ट करें। आराम है, आराम ही आराम। कैसे हैं आप? तुमने पूछ लिया है तो बहुत अच्छी हूं। अपना ख्याल रखें। दो दिन अस्पताल में वो सिर्फ आपका नाम लेती रही, आपको पुकारती रही। किसी और वजह से तो नहीं, इंसानियत के नाते बस चाहे दो तीन मिनट उनके पास बैठ जाए, उनकी बात सुन लें। मैं उनके पास जाता वो बातें कहती हैं जिससे उनका भी दिल दुखता। और को आपसे बेहद मोहब्बत है। मुझे महसूस नहीं होता। उनका वो छोड़ के चले जाना एक अजीब सी खला है हम माँ बेटे में। मैंने सुना है वक्त सारे जख्म भर देता। मैंने सजा काटी है, मुझे नहीं पता किसका कसूर था, बाबा का, मामा का, पर मैं बेकसूर हूं। और जब कोई बेकसूर सजा काटता है ना तो शायद वो ऐसे ही हो जाता है, लापता, अंधेरों में अकेले, तनाव, डैमेज्ड। तो ये फैसले भी शायद उन्हीं के किए हुए हैं कि मैं उनको मां कह तो सकता हूं बट महसूस नहीं होता। वो आपको मजीद डैमेज, मजीद नुकसान से बचाना चाहती हैं।
क्या पता अगर आप उनकी बात सुन लें तो जो आपके दिल में शिकवा है वो चला जाए। कुछ वापस नहीं आ सकता, ना ही मेरा बचपन और ना ही मेरे बचपन में वो कोई हुई माँ। वो अभी भी आपके पास है। कल ऑफिस जाने से पहले प्लीज 2-3 मिनट उनके पास बैठ जाइएगा। वो वापस जा रहे हैं। जाने से पहले प्लीज 2-3 मिनट उनके पास बैठ जाइए। वापस जा रही है। पूछ लिया है तो
बहुत अच्छी थी। आप क्यों आए? अदन को आपकी जरूरत नहीं। अस्पताल में आपका नाम बार बार पुकारती रही, आपका नाम लेती रही, तब नहीं आए तो आप क्यों आए? एक मौका नहीं दिया आपने इनको, कितनी सफाई पेश करे तो हम क्यों आए? अब क्या फायदा मुर्दा जिस्म को कन्या देने से? हक पूरा नहीं होगा। आप वो बेटे नहीं जो कन्या दे और रूह खुश हो जाए। जोया बाहर आ जाओ, मैं आ गया। मैं नहीं आ रही, तुम अंदर आ जाओ। मैं अंदर नहीं आ रहा भाई, मुझसे किसी से बात नहीं होनी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस तुम अंदर आ जाओ। जोया मैं अंदर नहीं, लड़की मरवाई थी मुझे। देख लिया तो? कोई नहीं है घर में, बताया तो था सब आयशा की तरफ गए हैं, उसकी सास की डेथ हो गई। ओह सॉरी। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें जरूरी बात के लिए बुलाया है। अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है। बैठो। मुझे नहीं बैठना यार, तुम्हें डर नहीं लगता? जब मेरी किसी को परवाह नहीं है तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है। मैंने सोच लिया कि मैं घर छोड़ रही हूँ। तुम दोगे मेरा साथ? जवाब दो। देखो ये सब सुनने में ठीक लगता है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैंने सोचा था कि थोड़ा टाइम गुजर जाएगा और मेरे बाबा मान जाएंगे, फिर हम उनके सामने निकाह कर लेंगे और फिर शादी। मुझे भी लगा था कि अम्मा थोड़ा वक्त दे देंगी, लेकिन उन्होंने डबल उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी करने का फैसला कर दिया है। वो शादीशुदा है। तुम्हारी अम्मा पागल वागल तो नहीं है? लालच में आके अंधी हो गई है, उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या जुर्म कर रही है। तो अब क्या? मैंने सोच लिया है कि जिंदा कब्र में दफन होने से अच्छा मैं यहां से चली जाऊं। ओहो, बहुत अच्छी थी सादिया बहन। वो दिन बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है जब मेरे घर आई थी आयशा का रिश्ता लेने। कितनी खुश थी वो। बासित बेटा, तुमने खुद को अकेला नहीं समझना, हम सब हैं तुम्हारे साथ, और मैं तो तुम्हें बिल्कुल अपना बेटा समझती हूँ।
आयशा, बासित का ख्याल रखना। देखो दुख से क्या हाल हो गया उसका। दुख नहीं, पछतावा, पछता रहे हो वो। होश करो आयशा, उसकी माँ मरी है और तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। जब मैयत पड़ी थी तब भी तुम फजूल ऑल फॉल बके जा रही थी। तुमने ये भी ख्याल नहीं किया कि लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। मैं उनके साथ थी, मैंने उनकी एक एक तकलीफ देखी। बासित को ये हकीकत सुननी पड़ेगी। आयशा, बासित और उसकी माँ के बीच जो कुछ भी हुआ उसे लोगों के सामने बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें बासित का साथ देना चाहिए। इंसान भी कितना बेबस होता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब एहसास होता है। मुझे क्या कहना चाहती थी, मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ये जो कड़वाहट है मुझमें, मैं बस अब इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। हेलो जी फहद, फहद आप इधर आ सकते हैं प्लीज? नहीं, वो मैं बासित के लिए कह रही थी, वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं कब से। कुछ खाएंगे? नहीं। आपने सुबह से नहीं खाया? खाना जरूरी नहीं है। सुने, उस रात आपको मामा क्या कह रहे थे? क्या फर्क पड़ता है वो क्या कह रही थी? मैं जानना चाहता हूँ वो क्या कह रही थी। आप साथ थे उनके, बताएं वो क्या कह रही थी। ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि उनकी हर बात आपसे शुरू होती थी और आप पे खत्म होती थी। क्यों रो रहे हैं? उस वक्त को जो आपने उनको नहीं दिया, उनके प्यार को, उस मौके को जब वो अपना दिल खोल के आपके सामने रखना चाहती थी। बेबसी पर रोना आ रहा है या अपनी बेहसी पर? उन्हें मुझसे खिला था, मेरे बिहेवियर ने बहुत हर्ट किया उन्हें, वो मुझसे बहुत हर्ट थी। मैंने हमेशा उनको जज किया उनके उनके बिहेवियर पे कि वो एक खुदगर्ज माँ थी। कभी सोचा ही नहीं कि मैं कैसा बेटा हूँ। इंसान भी कितना बेबस होता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब एहसास होता है। मुझे क्या कहना चाहती थी, मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ये जो कड़वाहट है मुझमें, मैं बस अब इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। अच्छा हुआ उन्होंने आपके सामने एतराफ नहीं किया। कैसा एतराफ? ऐसे ही एतराफ जैसा आपने उन खतों में किया था। आपने बताया था उन्हें लेटर्स का सिर्फ आप जानती थी। काश बता दिया होता, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि किसी की तकलीफ पढ़ाऊं।
ये तंज ये जुमले ये क्या है सब कुछ आप मेरी तकलीफ मजीद बढ़ा रही है। गुस्से और जज्बात में आके मैं कुछ ज्यादा भूल गई। नहीं सच कहती हूँ जाए बताएं सबको मैं बुरा बेटा हूँ मैं बुरा बेटा हूँ लेकिन लेकिन इन सब में मेरा कसूर नहीं है। ये नफरत ये तलखी ये सब मुझे अपनी माँ से मिली है। जो मैं मन गया हूँ वैसा था नहीं मैं मुझे बना दिया गया है इस दूरी ने। तुमने मुझे ऐसी जिंदगी नहीं देखी ना तुम नहीं जानती किस तकलीफ से गुजरा हुआ कोई बच्चा किस तरह रात के अंधेरे में उठ बैठता है रात की स्याही किस तरह उसको सिसक सिसक के डरा के उसके अंदर उतर जाती है उसकी आंखों और उसके दिल में बैठ जाती तुम नहीं जानती उन बच्चों की जिंदगी किस कदर रंगीन होने के बावजूद भी स्याह होती है जब वो माँ पुकारता है उस वक्त वो कितना कमजोर और बेबस होता है एक माँ के सिवा जब वो किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता और मेरा ये भरोसा भी तोड़ दिया गया क्या आप जानती है मैं क्यों हॉस्पिटल नहीं आया क्योंकि मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था आपको पता है मैं उनको क्यों बार बार इस घर से जाने का कहता था बिकॉज मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता था मुझे उम्मीद है कि आपकी जिंदगी से तमाम नफरत और तलखी चली जाएगी जो आपको लगता है उनकी वजह से वो चली गई है आपकी जिंदगी से इस घर से इस दुनिया से आयशा बाजी आयशा बाजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना लगता है कि आप सारी रात से इधर ही बैठी नहीं थी साहब कहाँ हैं जी वो तो अपने कमरे में है मैं तो ये सफाई करने आई थी तो इसलिए आपको उठा दिया बासित मैं हूँ दरवाजा खोले बासित 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 करीम करीम मेरा फोन लेके आओ बासित दरवाजा खोले करीम जल्दी लाओ इस कमरे की एक्स्ट्रा चाबी कहाँ है? चाबियाँ तो साहब के पास थी तो वही रखते हैं जी हेलो जी फहद फहद आप इधर आ सकते हैं प्लीज नहीं वो मैं बासित के लिए कह रही थी वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं कब से जी प्लीज जल्दी आए बासित बासित, बासित, जिंदा हूँ। चीखने की जरूरत नहीं है। तो सोता नहीं इतनी देर तक इसलिए भाभी अपसेट हो गई थी और इसलिए इसने तुझे बुला लिया तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तू ही समझता है बस मुझे ऑफिस नहीं जाना
दिल नहीं चाह रहा। तूने कब से दिल की सुनना शुरू कर दी? क्यों, तुझे भी ऐसा लगता है मैं इंसान नहीं हूं, अच्छा बेटा नहीं हूं? मुझे किसी के दुख दर्द जिंदगी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा किसने कहा तुझसे? बताना, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, तू सिर्फ अपसेट है इसलिए ऐसी बातें सोच रहा है। बात बाबा की डेथ का दुख और फिर मामा की डेथ, क्या तुझे भी लगता है उनकी मौत मेरी वजह से हुई है? उनका कसूरवार मैं हूं? क्या हो गया तुझे, कैसी फजूल बातें कर रहा है, पागल हो गया क्या? हाँ पागल हो गया हूं। नेचुरल डेथ हुई है उनकी? नहीं फहद, मैं हूं उनकी डेथ की वजह। बीमारी एक बहाना था, असल बचा उस दिन बर्थडे पार्टी पे जैसे मैंने उनसे बात की, इतना तल्ख लहजा इस्तेमाल किया, उनको नजरअंदाज किया और वो चली गई। देख तुझे पछतावा है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी और की मौत का खुद को कसूरवार समझा जाए। फाद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, और मैं भी करना चाहता था जो वो कहती मैं करता, गया भी था। चल, मैंने बहुत देर कर दी। अरे वाह, याद सूरज कहाँ से निकला? अच्छा है, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, शादी होने वाली है। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई भाभी, अब ये जिम्मेदार हो गई है और देखना शादी के बाद कैसे ऐश करेगी, 10 नौकर होंगे इसके आगे पीछे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। मैं काट? नहीं बस कट गए, हंडिया चढ़ा लो तुम। अच्छा ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, वो मुझसे बहुत हर्ट हुई हैं और मैंने जान के हर्ट नहीं किया यार। बासित जो होना था वो हो गया, खुद को इल्ज़ाम देना बंद कर। देख मैं ये नहीं कह रहा कि तू सैड ना हो, वो तेरी माँ थी और ये नेचुरल सी बात है, लेकिन तेरा जो उनसे रिलेशन था उसमें सिर्फ तेरा कसूर नहीं था, उस वक्त हालात ऐसे थे, तेरे और आंटी के बीच वक्त बुरा था, सब भूल जा। कहना आसान है फहद, कहना आसान है, हेलो मिस्मानो। सर कंसाइनमेंट पेपर्स रेडी हैं और कुछ डिज़ाइन प्रपोजल्स भी थे जिस पर आपका अप्रूवल चाहिए, तो आज आप आए नहीं थे ना, तो आप एक काम करें, आप वो फाइल मेरे घर पे भिजवा दें, मैं साइन करके भिजवा देता हूँ, बल्कि आप खुद ले आएँ। ओके सर। जो बाकी की डिटेल्स हैं वो मैं आपको ईमेल के थ्रू एक्सचेंज कर लूँगा। आप वो सब मैंने आपको भेज दिया ऑलरेडी। थैंक यू। मेरी मान ऑफिस चला जा, कल को फिर इस लॉस को रोता रहेगा। किसी लॉस का डर ही नहीं है। क्या बात है जोया, अपनी अम्मा से ज्यादा तो तुझे रुखसत होने की जल्दी है। तुम मुझसे नाराज हो? कुछ दिनों से देख रही हूं तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती। अब बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या मुझसे बोलोगी नहीं? हाँ देख मुझे एहसास है, लेकिन जब
तू ही खामोश हो गई तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। तू अपनी अम्मा को मना क्यों नहीं कर देती शादी से? अगर तू ऐसे ही खामोश रही तो फिर हो जाएगी शादी। यावर की बहन ने तो कहा है कि सादगी से निकाह कर दो, और तेरी अम्मा ने हाँ भी कर दी है। अच्छा, कब हो रहा मेरा निकाह? जुमेरात को। जोया, अरे पुराने कपड़े क्यों इस्त्री कर रही है तू? इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे जोड़े निकाले, ये देखो। भाभी ये तो बहुत प्यारा कलर है ना? ये देखो जोया पर ये रंग कितना जच रहा है, इतनी प्यारी लग रही है। तुम मेरे साथ आओ नीचे, मैं तुम्हें और भी बहुत सारे जोड़े दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। फहद, कुछ चाहिए था? नहीं, वो मैं बस जा रहा था तो आई थॉट मैं आपसे बात कर लूँ। वो बासित थोड़ा अपसेट है, तो आप उसके सामने कोशिश कीजिएगा कि आंटी की कोई बात ना करें। वो खुद ही बातें करते रहते हैं उनकी, जब वो जिंदा थी तब बात करना पसंद नहीं करते थे और अब कोई और बात ही नहीं करते। भाभी प्लीज़, वो ऑलरेडी इन सब के लिए ख़ुद को ब्लेम कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो और डिप्रेस हो। मैं तो खुद ही, खैर अच्छा सुनिए, खाना खा के जाइएगा। अब नहीं भाभी, मेरी 2 बजे मीटिंग है। आप खाना खाएंगे तो शायद बासित भी कुछ खा रहे हैं। ओके, क्या बनाया आपने? बिरयानी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। जा ही रहा था, लेकिन अनलाइक यू, आयशा भाभी को पता है कि घर है मेहमान को खाने का पूछते हैं। खाना खाने रुका है, पकाने? आप ही के लिए बन रहा है सैलेड। तू आजकल घर पे होता है, भाभी की हेल्प क्यों नहीं कराता? तेरे जितना टाइम नहीं है ना मेरे पास। मुझे पता था यही जवाब आने वाला। जब मेरी शादी होगी ना भाभी, देखना मैं अपनी बीवी की हर चीज में हेल्प कराऊंगा। लेकिन मैं तो जितना फारिग नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम भानु। खाना खा के जाओगी ना? मेरा नहीं ख्याल है, अब ऑफिस के काम से आई हूँ बस, जल्दी में। फिर भी खाना तो खा लो। आप इनको कैसे जानती हैं? मेरी बड़ी बहन है। व्हाट? रियली? बासित ने कभी नहीं बताया, आपने भी कभी मेंशन नहीं किया। मेरी मुलाकात होती रहती है उनसे ऑफिस में। अच्छा, ये रेडी हो गया। सर ये वाला क्लॉज प्लीज आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इट्स ओके। सर यहाँ भी अगर आप कहें तो शैंटेक्स फैब्रिक्स वालों को मीटिंग के लिए बुला लेती हूँ फिर मैं। आप उनको बुलवा लें, बट ये फाइल आज ही भिजवा दें। अपने ड्राइवर को कहें वो आपको छोड़ देगा। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप कहाँ जा रही हैं? हमारे साथ लंच नहीं करेंगी? नहीं थैंक यू, मुझे ऑफिस के कुछ काम है। अल्लाह हाफिज़। That's odd. What is? She's your family now. तू रोकता तो भाभी को अच्छा लगता। मैं यहाँ पे फाइल साइन करवाने के लिए आई थी, लंच करने के लिए नहीं आई थी। Okay, Mr. Boss. मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सही